जी तो चलिए आज आपको घर जैसा खाना खिलाते हैं। कहाँ पर खिलाएंगे बताते हैं आपको, लेकिन हम जहाँ जाने वाले हैं और जहाँ का खाना आपको खिलाने वाले हैं, खाकर आपको मजा आने वाला है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, बड़े प्यार से आंटी जी खिलाते हैं। मैं मिसिस सविता अरोड़ा 35 ईयर से टीचिंग में थी, लेकिन लॉकडाउन लगा तो मेरी इच्छा थी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत। सांभर इडली से स्टार्ट किया, फिर कई लोग आए आंटी दाल बना दो, मैंने दाल बनाई, उनको दाल अच्छी लगी, मेरे आंटी दाल आप दोगे तो चपाती कौन देगा, मैंने चपाती भी मैं ही दूंगी भाई, चपाती बनाई, फिर एक सब्जी बनाई, मैंने चाप बनाई वो उनको अच्छी लगी, कहते आंटी साग भी बना दो, सर्दियाँ आ गई कहते आंटी साग बना दो, साग बनाया, मक्की की रोटी बनाई, सरसों का साग, बाजरे की रोटी। अब मैं क्या करती हूँ, 6-7 सब्जियाँ डेली बनाती हूँ, मतलब 12 घंटे ये मिलती हूँ, सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। वैसे मेरी एज 57 है, बस दीदी की 60 है, लेकिन ये है कि घर बैठ के करना क्या, जब इन सब मालिक ने दिया है, शक्ति दी है मुझे, पावर दी है, तो मैं अपना लगी रहती हूँ, इसलिए बस स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते धीरे 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 धीरे, और भगवान की इतनी दया है, शुक्राना उसका इतना है कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है, और आप फिर सुन रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो ताकि अपना घर अच्छे से चलता है। आजकल की जो बच्चियां हैं, बुरा मत मानना भाई, जो बच्चियां हैं वो बुरा मत मानना, क्योंकि उनको ये होता है कि घर में खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए, घर में बर्तन सफाई वाली भी होनी चाहिए, हम जॉब पे जाएं और आके हमें सब रेडी मिले, लेकिन ये गलत है। खाना जो है वो अपने हाथ का बनाओ और हाथ से खाओ। बेटे जो हैं वो उनकी हेल्प करें, बेटों को भी ये कहूँगी कि आप उनकी हेल्प करो। ये देखिए हमारी टेबल सज चुकी है, बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये है ब्लैक चना, बिल्कुल घर जैसी शक्ल और घर जैसा टेस्ट, और ये है कढ़ी पकौड़ा, और ये है राजमा, और ये है आलू मेथी, आजकल विंटर्स में ही आती है आलू मेथी, और ये साग, साग इज माई फेवरेट, ये है साग। उसके बाद ये दाल दी है हमें आंटी ने, उड़द और चने की दाल है, ये जीरा राइस है, और साथ में ये चाप। A few moments later, नाना करते करते सब कुछ ख़त्म कर दिया, मतलब पेट फुल था फिर भी हाथ नहीं रुक पाए, मतलब इतना स्वाद और घर जैसा खाना था और मज़ा आ गया खा के। हम यहाँ पर कोई रिव्यू देने नहीं आए, बिल्कुल अगर आपको भी घर जैसा खाना चाहिए, अगर आप रोहतक में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल या पीजी में रह रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको इसकी लोकेशन समझा देता हूँ, मॉम्स किचन के नाम से ये एक छोटा सा ढाबा कह लो या रेस्टोरेंट कह लो, ये भुवानी अड्डे के पास, आप किसी से भी पूछ लेना कि ढल्लू चौमिन चौक कहाँ पर है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा मॉम्स किचन, जिसकी टाइमिंग है सुबह 11 से लेके रात को 11 बजे तक, लेकिन ये 4 से 6 के बीच में आंटी थोड़ा रेस्ट करने जाते हैं तब ये बंद रहता है। ये देखने के बाद एक बार जरूर आइए और ये कहाँ का खाना खाइए, खाना खाने के बाद मुझे बताना भी जरूर है किस चीज़ में कैसा टेस्ट लगा, अगर कोई कमी होगी तो मैं उसको पूरा भी जरूर करूँगा। बिल्कुल आंटी जी ने बोला है, आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। एक बारी तो यहाँ पे आपका आना बनता है, और आंटी जी के हाथ का एक बारी, यहाँ की जो चाप है, यहाँ के जो चने हैं, मतलब कुछ भी आप खा लीजिए आपको मज़ा आ जाएगा, बड़े प्यार से आंटी परोस के खिलाते हैं। चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, और चलते चलते फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए खाने के साथ। तब तक देखते रहिए रोहतक फूड ब्लॉगर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और कमेंट तो जरूर कर दिया करो यार आपको कैसी लगी वीडियो। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।